यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल टिश्यूज जो होते हैं, हमने कहा दीज आर एक्टिंग एज अ लिक्विड क्रिस्टल, शो द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम देखेंगे ग्लूकोज ऑप्टिकल रोटेशन भी कास करता है, इलेक्ट्रिकल और थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये रखते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर क्या होगा बायोलॉजिकल टिश्यूज के अंदर ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल और थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है मौजूद होती है। पहली प्रॉपर्टी थी टेम्परेचर सेंसर, व्हाई लिक्विड क्रिस्टल्स आर एक्टिंग एज अ टेम्परेचर सेंसर, नाउ द लिक्विड यानी क्रिस्टल्स आर यूज टू सेंस द टेम्परेचर। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, हाउ द लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू सेंस द हाउ द लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू सेंस द टेम्परेचर, कि लिक्विड क्रिस्टल्स किस तरह से टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो सुनेंगे, व्हेन एवर द लाइट इज एक्सपोज ऑन द लिक्विड क्रिस्टल और व्हेन एवर द लाइट इज यानी क्या हो जाएगा फॉल ऑन द लिक्विड क्रिस्टल, देयर आर टू मेन प्रोसेस व्हिच अकर, सम पार्ट ऑफ द लाइट आर गेट रिफ्लेक्टेड एंड द सम पार्ट ऑफ द लाइट इज गेट रिफ्रेक्टिव, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन इज कॉल्ड एज डाइफ्रेक्शन। यानी जब लाइट पास होगी डाइफ्रेक्ट होगी, कुछ पार्ट उसका क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा रिफ्रेक्ट। अब सुनेंगे, जो रिफ्लेक्ट होगा वो क्या करेगा कलर शो करेगा, ये लाइट व्हाइट लाइट होगी, दैट लाइट इज अ व्हाइट लाइट दैट हैज अ सेवन कलर। अब जो रिफ्लेक्ट काज करेगी या रिफ्लेक्शन होगी वो कलर काज करेगी, कलर देगी। अब देखिएगा नेक्स्ट, उसके अलावा जो रिफ्रेक्ट हुई रिफ्रेक्शन वाली क्या होगी अपनी एनर्जी, देखिए रिफ्लेक्ट होके जा रही है लाइट, लाइट के पास क्या है यानी उसकी अपनी वेवलेंथ है, जिसके वेवलेंथ मौजूद हो, हमने कहा वेवलेंथ को कैसे फाइंड किया जाता है किस तरह से, आप लोगों ने पढ़ा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। यानी जो रिफ्रैक्ट होकर जा रही है लाइट एक्चुअली तौर पर वो एनर्जी है, एनर्जी क्या करेगी यानी हीट अप, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर क्या होगी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज, दैट रिफ्रैक्टिव लाइट आर यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी रिफ्रैक्टिव लाइट क्या होगी एक्चुअली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर होता है, रिफ्रैक्टिव लाइट एक्चुअली तौर पर एनर्जी इंक्रीज करते जाएगी जिससे टेम्परेचर क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। अब सुने, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना लेयर्स के दरमियान यानी क्या होगा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। पहले अगर देखिए पहले वाले डायग्राम के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर आपको बेहतर फर्क नजर आएगा, पहले लाइट क्या थी यानी अगर देखा जाए लिक्विड क्रिस्टल्स को तो उनकी लिक्विड क्रिस्टल्स की जो लेयर थी वो एक दूसरे के करीब करीब मौजूद थी, लिक्विड क्रिस्टल की लेयर एक दूसरे के करीब करीब थी, लेकिन जब लाइट फॉल हुई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुई, इस रिफ्रैक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यानी डिस्टेंस बिटवीन द लेयर क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, जितना डिस्टेंस बिटवीन लेयर क्या होता जाएगा इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन लेयर क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, ध्यान में रखिएगा उतना कलर क्या होते जाएंगे क्लैरिटी ऑफ इमेज ज्यादा आता जाएगा, क्लैरिटी ऑफ इमेज यानी इमेज की क्लैरिटी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, एक ना सिर्फ क्लैरिटी ऑफ इमेज बल्कि कलर के कलर स्कीम भी क्या होती जाएगी चेंज होती रहेगी, चेंज इन द कलर स्कीम, द टेलीविजन कैन परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। जब हम क्या करते हैं लाइट का स्विच ऑन करते हैं उस वक्त रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है कलर फौरन आ जाता है यानी टीवी की स्क्रीन शो होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिस्टेंस बिटवीन द लेयर क्या होता जाता है इंक्रीज, जितना डिस्टेंस बिटवीन द लेयर इंक्रीज होता जाता है उतना कलर चेंज होते जाते हैं और इमेज की क्लैरिटी भी क्या होती जाती है इंक्रीज। याद करें आप लोग ट्यूनिंग करते हैं टीवी की करते हैं वो एक्चुअली लाइट का एंगल बता रहा होता है किस एंगल पे फॉल कर रही होती है, जो हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं वो इस लाइट को बताता है कि कितने एंगल पे फॉल करनी है, हम ट्यूनिंग करते हैं वो एंगल ऑफ लाइट विच आर फॉल ऑन द लिक्विड क्रिस्टल्स चेंज होता है,
इसके चेंज होने से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस चेंज होता है। जितना ये एंगल कम होता जाएगा उतनी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, रिफ्रैक्शन कम। जितना ये एंगल ज्यादा होता जाएगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, जितना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी उतना चेंज इन कलर बिटवीन, यानी क्या होगा, लेयर द डिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा उतना कलर और क्लैरिटी ऑफ इमेज भी क्या होगी, बेस्ट से बेस्ट आएगी। इज इट क्लियर? पढ़ेंगे इसको, शाबाश। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, इट इज यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल फेलियर। पोटेंशियल फेलियर को फाइंड करने के लिए, यानी लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल फेलियर। पोटेंशियल फेलियर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल फेलियर। किस तरह से, कैसे, ये देखेंगे हम। अब पहले देखिए, हमने कहा मिसाल के तौर पर ये अर्थ सर्फेस है, this is the earth surface, earth surface। अभी हमने कभी देखा हो कि केबल की जो तारें होती हैं, एक्चुअली सड़क के किनारे वो क्या होती है, यानी जमीन के अंदर क्या होती है, यानी मूव की हुई होती है इस तरह से। ये केबल वायर है, अगर कहीं पे इस वायर को कट लग जाता है, समझिए, अगर कहीं पे इस वायर को कट लग जाता है, क्या आगे करंट फ्लो करेगा या क्या सिग्नल आगे फ्लो करेंगे? नो। अब क्या होता जाएगा, देखिए सिग्नल आ रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, जैसे क्या होगा, सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा, क्या होगा, आगे पोटेंशियल फेलियर है, तो सिग्नल वेस्ट होता जाएगा। अब जब सिग्नल वेस्ट होगा तो इस जगह का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा और इंक्रीज होता जाएगा। यानी एज वी नो दैट द क्लेवियल बार आर प्रेजेंट इन साइड द अर्थ सर्फेस, अर्थ के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। व्हेन एवर द पोटेंशियल फेलियर अकर एट द पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल, यानी क्या होगा, फेलियर, टेम्परेचर आर गेट इंक्रीज, के टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमें कैसे पता लगेगा, देखिए हम कहते हैं मिसाल के तौर पर एक शख्स था जिसके हाथ में ये मेटल डिटेक्टर था, अब वो क्या करेगा, हाथ में लेने के बाद यहां से क्या करेगा, इसको मूव करेगा, जैसे क्या करेगा, यहां पे पहुंचेगा जहां पे पोटेंशियल फेलियर थी। अब इस पे के हाथ में मौजूद जो जो डिवाइस है, यानी जो डिवाइस होगा वो क्या करेगा, डिटेक्शन करना शो कर देगा। किस वजह से डिटेक्शन क्यों शो करेगा, क्योंकि इसके हाथ में ये जो डिवाइस था, इस डिवाइस के अंदर क्या मौजूद था, लिक्विड क्रिस्टल मौजूद थे। ये लिक्विड क्रिस्टल जब पोटेंशियल फेलियर वाली जगह पे पहुंचते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या करते हैं, कलर वियन करना शो कर देते। इस कलर वियन से पता लगता है कि पोटेंशियल फेलियर यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल फेलियर। Then the third one is diagnosis of damaged arteries and veins. के damaged arteries और vein की किस तरह से diagnosis करती है, how we can यानी detect the damaged arteries or vein which are present inside the body of living organism. अब क्या होता है, किस तरह से हमें पता लगेगा, किस तरह से, अब समझेंगे। अगर हमने कहा आर्टरीज है, आर्टरीज और वेन, समझेंगे, आर्टरीज और वेन के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अब समझे, अगर ये ब्लड फ्लो करता है तो फ्लो से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी और हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, किसी चीज की मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट चेंज होती है। अब समझे, अगर कहीं पे भी आर्टरी डैमेज हो गई,
ये आर्टरीज है जो ब्लड क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, या प्लाक फॉर्मेशन होगी वेन के अंदर, डैमेज हुई आर प्लाक फॉर्मेशन कहीं पे भी, हार्ट अटैक के दौरान ये कुछ होता है। अब जब प्लाक फॉर्मेशन होगी, ब्लड फ्लो क्या होता जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि प्लाक आ गया आगे या डैमेज पार्ट आ गया। अब डैमेज पार्ट या प्लाक के आने की वजह से क्या होता जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि इस डैमेज पार्ट के अंदर टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इस डैमेज पार्ट का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी, एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। फिर हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स आके उस डैमेज पार्ट के साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे। जैसे वो अटैच होगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्या करेगा, लिक्विड क्रिस्टल ये क्या शो करेगा, यानी कलर शो करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें पता लगेगा डैमेज पार्ट ऑफ आर्टरीज यहाँ पे क्या होंगी, मौजूद होंगी। या फिर कभी आपने देखा हो कि अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान पहले जेल टाइप मटेरियल लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड करने से पहले क्या करते हैं, जेल टाइप मटेरियल, मिसाल के तौर पे दिस इज द बॉडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, जेल टाइप जिस पार्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है वहां पे क्या करते हैं, जेल टाइप मटेरियल लगाते हैं, और एक एरन लाइक डिवाइस होता है, ठीक है, एरन लाइक डिवाइस होता है, वहां पे क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं और उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये जेल एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स होता है, जो कि डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे कोई यानी डैमेज पार्ट मौजूद है, या कहाँ पे कोई यानी क्या होगा, एक्स्ट्रा पार्ट मौजूद है, किस तरह से वो सारा कुछ क्या करेगा, बताता है। इज इट क्लियर? ये डिवाइस अल्ट्रासाउंड डिवाइस होती है। तो ये यूज की जाती है टू फाइंड आउट द यानी डैमेज आर्टरीज और वेन, कि कहां पे डैमेज आर्टरीज और वेन क्या होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, एक और चीज मेन, इसमें कलर दिया होगा ब्लू कलर, जैसे ही अटैच होते हैं तो यहाँ से जो कलर प्रोड्यूस होता है दैट इज द ब्लू कलर, ब्लू कलर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द डिजिटल, यानी क्या होगा, डिजिटल वॉच वगैरह बनाने के लिए, कैलकुलेटर बनाने के लिए, कैलकुलेटर और मैनी अदर डिवाइसेस, यानी बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल की जाती हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। इसके अलावा देखें तो एक मेन इंपॉर्टेंट यूज दिया होगा, इट इज यूज इन द ऑसिलोस्कोपी। लिखा हुआ कहीं ये वहां पे भी इस्तेमाल की जाती है। अब आपको याद हो मैट्रिक के अंदर आपने एक पढ़ी थी CRO, कैथोड रेस। अब ये एक्चुअली उन डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है, आर्टरी के प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इस्तेमाल की जाती है, टीवी डिस्प्ले के अंदर भी क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, LED फॉर्मेशन उसके अंदर भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स।